बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, जहाँ रहे खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। तो जहाँ आप अपने चेहरे को निखारते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, तो वहाँ आपको चाहिए कि अपने बाजुओं को, अपने हाथों को, अपने पाँव को अच्छी तरह से उसको साफ़ सुथरा रखें, ताकि वो भी चमकते धमकते रहें। सबसे पहले तो ये होता है कि हर किसी की नज़र पाँव पर और हाथों पर पड़ती है कि चेहरा तो वाकई साफ़ सुथरा रखा हुआ है, लेकिन हाथ पाँव इतने काले, तो हाथ पाँव को आपने ख़ुद कैसे घर में पेडिक्योर करना है। बिना पैसे खर्च किए पार्लर से बेहतर हमने क्या करना है, ख़ुद घर में पेडिक्योर कर रहे हैं। तो आप भी इस आसान सी रेमेडी को ख़ुद घर में बनाकर ख़ुद घर में आप पेडिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी नेल पेंट उतार लेनी है, जो कि लगा हुआ है उसको उतार लेनी है। उसके बाद आपने नमक लेना है, उसमें थोड़ा सा शैम्पू और गर्म पानी डाल देना है। इसमें आपने अपने पाँव को डिप कर देना है और इसमें 5 से 10 मिनट तक रखना है। और एक टूथब्रश ब्रश होता है पुराना, उससे 5 से 10 मिनट तक आप अपने हाथों को, पाँव को अच्छी तरह से रगड़ना है और नाखून अच्छी तरह से रगड़े, तो जितने भी मेल होगी, जितने भी डस्ट होगी, जितना भी कालापन होगा, वो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद आपने देखना है कि अगर आपके नाखून बड़े हुए हैं तो नाखून को क्या करना है, काट लेना है। तो फिर उसके बाद क्या करना है, आपने लेना है गंदम का आटा, घी का आटा, उसमें कोलगेट टूथपेस्ट डाल देनी है और एक आधा टमाटर डालकर पेस्ट बना लेना है। आधा टमाटर का जूस डाल देना है उसमें, तो उसका क्या करना है, पेस्ट बना लेना है। उसको अच्छी तरह से पूरे पाँव पर लगाना है 10 मिनट तक के लिए, फिर छोड़ दें। इस पैक का आपको इतना ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, इतना मैजिकल आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, आप ख़ुद ही देखते हैरान हो जाएंगे कि आपके पाँव जो है आपके चेहरे की तरह चमकना शुरू हो गए। जैसे आप अपने चेहरे को निखारते, खूबसूरत बनाते, इसी तरह अपने हाथों और पाँव को भी खूबसूरत बनाइए। आपके पाँव इतने ज़्यादा सफ़ेद हो जाएंगे, चमकने शुरू हो जाएंगे। तो आप भी इस रेमेडी को खुद घर में ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त और 100% इसका रिज़ल्ट है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी स्किन का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।